बाजारों के अंदर एक दायरे में ही कामकाज हो रहा है, मोर और लेस रेंज में, लेकिन अब जो बाइंग है वो मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स के अंदर इन शेयरों में देखने को मिल रही है, और पर्टिकुलरली कुछ स्टॉक स्पेसिफिक स्टोरी जो है वहां पर कुछ एक मूवमेंट आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। इसके अलावा बातचीत करें तो कुछ और दर्शकों से भी, हमारे साथ श्रीराम सोनी है बीकानेर से मौजूद है। सोनी साहब नमस्कार। नमस्कार जी, मेरे पास बर्जर प्रिंट्स पड़े हैं करीब 700 शेयर हैं। किस भाव पे? मेरी एवरेज प्राइस 65 रुपीस के आसपास होगी। काफी खरीदारी आपकी सोनी साहब? ये काफी लंबा टाइम हो गया सर, ट्रेडिंग पोजीशन में मेरी प्रदीप जी मिलाए थे। कितने साल होंगे रफली? ये करीब 2009 के आसपास से मेरे पास पड़े। चलिए, बहुत ही शानदार पेशेंस आपने जो दिखाया इस स्टॉक के अंदर, वो आपको शायद रिटर्न दे रहा है, चार गुने से ज्यादा आपको रिटर्न शेयर में आ रहा है। संजीव, क्या राय रखते हैं आप बर्जर पेंट्स में? 700 शेयर 2009 में, जब बहुत ज्यादा क्राइसिस था इकोनॉमी में, तब उसका फायदा उठा के इन्होंने इस शेयर को उठाया, और 224 रुपए मौजूदा स्तर है, नए हाइस बना रहा है, आज ये आराम से सक्सेसफुली लेके बैठे अपने मुनाफे को, क्या राय रखते हैं बर्जर पेंट्स में? देखिए, काफ़ी अच्छे लेवल पे इन्होंने बर्जर पेंट को ख़रीदा था, जिसका आज रिजल्ट इन ये देख रहे हैं। लाइक 65 की खरीदी है, 224 का CMP चल रहा है, तो बेटर स्ट्रेटेजी यहाँ पर इन्हें इनकी ये होनी चाहिए कि लाइक ये अराउंड 60-70% प्रॉफिट इन्हें यहाँ बुक कर लेनी चाहिए और लेफ्ट स्टॉक के साथ इन्हें ये होल्ड कर सकते हैं। एक अच्छी कंपनी है, एक अच्छा फाइनेंशियल्स है। श्योर, जगदीश ने हमारे अगले कॉलर है गुड़गांव से। नमस्कार, आपका सवाल पूछिए। नमस्कार, मैंने रेणुका शुगर लिया हुआ है 3000 शेयर 15.50 रुपए में। ओके, तो मुझे जानना है इसको अभी होल्ड करना है या सेल करना है, तो उसका रिजल्ट्स भी आने वाला है इसी मंथ, और इनके काफी अच्छे एक्सपेंशन प्लान है। आपको राय दिला देते हैं, इनफैक्ट जी बिल्कुल बिल्कुल। मानस, वेरी क्विकली, जैसे थोड़ी देर पहले आपने कोठारी शुगर्स पर अपना ओपिनियन भी दिया था, एज यू हैव सेड कि यहाँ पे लेके काफी रनअप देखने मिला है। रेणुका शुगर या हमारे अगले कॉलर 3000 और शेयर 15.5 रुपीज पर उनकी परचेज प्राइस है, 16.70 इज द करंट मार्केट प्राइस। टेक्निकल पर्सपेक्टिव में आपकी क्या राय है इस पर? देखिए, मीडियम टर्म चार्ट्स पे थोड़े रिवर्सल के पैटर्न देखने को मिले हैं, हायर टॉप्स हायर बॉटम बनना शुरू हुआ है। हालांकि ये जरूर है कि रेणुका ने अंडर परफॉर्म किया है दूसरे शुगर स्टॉक्स को देखते हुए पिछले दिनों, बट फिर भी जिस तरह के पैटर्न्स अब डेवलप हो रहे हैं, ऐसा लगता है कि शायद कम से कम 24 से 25 रुपए तक का पोटेंशियल स्टॉक में आने वाले टाइम में देखने को मिल सकता है। इसलिए मेरी राय में बने रहें स्टॉक में और अपने स्टॉप लॉसेस 200 दिनों के मूविंग एवरेज के नीचे रखें, जो कि इस टाइम करीब 13.75 रुपए के आसपास है। जी, तो 13.75 एक स्टॉप लॉस आप रखिए और अपनी पोजीशन के अंदर बने रहे। रही बात नतीजों की, तो इस तिमाही के नतीजे आने वाले, और शायद मतलब आकलन जो ये है बाजार में कि शायद इस तिमाही के नंबर्स थोड़े से बेहतर आए, क्योंकि कंपनी की जो बाकी सब्सिडीज हैं, विदेशी सब्सिडीज, स्पेशली ब्राजीलियन सब्सिडी जो है, वो शायद मुनाफा पोस्ट करते हुए दिखाई पड़े। तो आप नतीजों क्लोजली वॉच करिए और उसके अकॉर्डिंग अपनी पोजीशन रखिए। मनीष का सवाल लेते हैं, दिल्ली से मौजूद है मनीष हमारे साथ। मनीष जी नमस्कार। हाँ सर नमस्कार, सुमित जी कैसे हो? बिल्कुल बढ़िया मनीष जी, आप बताइए आपके क्या हाल चाल। सर मैं ये पूछना चाह रहा था, मेरे पे कैमलिन फाइनेंस के शेयर हैं, 7000 शेयर है मेरे 100 रुपए पे। ओके, मेरा लॉन्ग टर्म नजरिया है 3 से 5 साल में रुक सकता हूँ, और मेरा ये मत काटिएगा कॉल कनेक्ट मत। चलिए, आपका फोन डिस्कनेक्ट नहीं होगा सर, आपका फोन डिस्कनेक्ट नहीं करेंगे। संजीव, इनका सवाल कैमलिन फाइनेंस पर है, करीब 100 शेयर है, 92-93 के स्तरों पर है, 7000 शेयर है, 100 रुपए के भाव पे खरीदारी है, करीब 92-93 रुपए का मौजूदा स्तर है, तो 8 रुपए के हिसाब से काफी बड़ा घाटा इन्हें हो रहा है। आप क्या राय रखते हैं, क्योंकि शेयर तो ठीक ठाक है, कंपनी भी सही है फंडामेंटल वाइज, लेकिन राय क्या है आपकी, क्या इसमें जो भाव है दोबारा मिलेगा इन्हें? देखिए, कैमलिन फाइन के अगर फंडामेंटल्स को देखें तो एक अच्छा फंडामेंटल्स है कंपनी में, और लाइक कंपनी कोशिश भी कर रही है कि अपने बिजनेस को इम्प्रूव करे, तो बेटर स्ट्रैटेजी यहाँ पर यह है कि क्योंकि इनका टाइम नज़रिया भी इन्होंने बताया कि काफ़ी लंबा है, तो ये बन कैमलिन फाइन में बने रह सकते हैं, तो एक अच्छा रिटर्न इन्हें मिल जाएगा। Sure, hold on to Camlin Fine Science. ऐसा संजीव की राय है, 92 odd levels पर Camlin Fine Science ट्रेड कर रहा है। इनफैक्ट अगले कॉलर से बातचीत कर लेते हैं, हमारे साथ अमित जुड़े हैं पालघर से। नमस्कार अमित, आपका सवाल पूछिए। Yeah, hi sir, this is Amit Gupta. मेरे पास सुजलॉन है 18.5 का, मैंने कुछ 5000 शेयर परचेज किए हैं, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि मुझे अभी होल्ड करूँ या फिर थोड़ा बहुत जो 10-20% का प्रॉफिट मिल जाए तो उसको बुक करूँ, या फिर क्या करूँ, वही जानना चाहता हूँ। मैं 3 से 4 महीने तक होल्ड कर सकता हूँ। श्योर, आपका सवाल, आपने कौन से लेवल पर परचेस किए सुजलॉन के शेयर्स? 18.5 रुपए 18.50 रुपए। ऑलराइट, ओके,
मानस वेरी क्विकली 18.5 ऑड लेवल्स पर उनकी परचेज प्राइस है। सुजलॉन रिसेंटली हैड एन इन्वेस्टर और एक एनालिस्ट मीट भी हुई थी, यहाँ पे उन्होंने एक बीएससी को डिस्क्लोजर भी दिया था। टू मच ऑप्टिमिज्म फ्रॉम दिस सेगमेंट, आपको क्या लगता है कि कौन कौन से लेवल्स फर्दर गोइंग फॉरवर्ड दिखा सकते हैं? देखिए, मैं इनको पहली चीज़ तो ये सजेस्ट करूंगा कि ये स्टॉक की हिस्ट्री को देखते हुए निवेश का नजरिए ना रखें तो बेहतर रहेगा। बहुत लंबे समय के लिए अपॉर्चुनिटी ना ढूंढें तो बेहतर रहेगा। ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटीज मिलती रहती हैं, स्टॉक थोड़ा वोलेटाइल है और जिस तरह के पैटर्न्स पिछले करीब 3-4 मंथ में देखने को मिले हैं, 200 दिनों के मूविंग एवरेज के ऊपर स्टॉक निकल आया है, इसलिए आप ट्रेडिंग के केवल नज़रिए से बने रह सकते हैं। 21 रुपये के टारगेट सेट करके चले और अपने स्टॉप लॉसेस 16.50 रुपये के नीचे रखें। तो 16.50 रुपये एक स्टॉप लॉस रखिए, अपनी पोजीशन के अंदर बने रहें। आपको राय दी है मानस ने, 18.5 रुपये का मौजूदा स्तर सुजलॉन का देखने को मिला है। इसके अलावा बातचीत करेंगे अनिल से, चेन्नई से हमारे साथ मौजूद है। अनिल जी नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार अनिल जी, क्या सवाल आपका, पूछिए। सर मैं सिम्फनी बाय करना चाहता हूँ लॉन्ग टाइम के लिए। ओके। करीबन एटलीस्ट 5 ईयर्स और लेके रख देना चाहता हूँ। सिम्फनी को क्यों चुना आपने? अनिल जी सिम्फनी ही क्यों? नहीं, आपके चैनल पे ही देखा था, वीरेंद्र जी बोल रहे थे कि बहुत अच्छा शेयर है जी। इसमें कोई दो राय नहीं है, कंपनी अच्छी है, बहुत अच्छी कंपनी है, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम परफॉर्म भी किया है, अच्छे प्रोडक्ट पोर्टफोलियो भी कंपनी के पास है। क्या राय रखते हैं संजीव, आप सिम्फनी खरीदना चाहते हैं कई सालों के लिए और लेकर उसे रखना चाहते हैं, आप कैसे सजेस्ट करेंगे? अभी लें, पार्शली लें, कम्प्लीटली लें, अपना पोर्टफोलियो डाइवर्ट करें, क्या करें, क्या कर सकते हैं? जी मेरे यहाँ इन्हें सलाह होगी कि ये पोर्टफोलियो डाइवर्ट करके रखें, एक डिफरेंट कंपनीज को लेके रख सकते हैं। सिम्फनी नो डाउट एक अच्छी कंपनी है, इनके पोर्टफोलियो में होनी चाहिए, पर क्योंकि इनका समय नज़रिया काफ़ी लंबा है, 5 साल का है, तो डेफिनेटली मैं इन्हें यहाँ सजेस्ट करूँगा कि ये स्मॉल पब्लिक सेक्टर बैंक और कुछ यू नो SBI लाइक BOB जो लार्ज सेक्टर पब्लिक सेक्टर बैंक है, ये भी ये अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं, तो इन्हें कंबाइन एक अच्छा रिटर्न मिल सकता है। जी तो आपको बने, आप खरीदारी कर सकते हैं सिम्फनी में, लेकिन इसके अलावा कुछ विकल्प और बताए गए हैं, कुछ और निवेश के मौके बताए गए हैं, आप उनमें निवेश कर सकते हैं, अपना पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई वे में आप अपना बना सकते हैं और अलग अलग कंपनियों को उसके अंदर शामिल कर सकते हैं।